हेलो गाइस, दिस इज़ राज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एज यू ऑल नो, ये है क्रेटा डीजल वेरिएंट एंड ये है ई वेरिएंट। सो भाई, अगर हम बात करें इसकी फ्रंट ग्रिल की, तो आप देख सकते हैं गुड लुकिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। एकदम भी बोरिंग सा लगता है, एकदम भी फीका फीका सा। सो आज हम लोग ने प्लान किया कि इसका कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और इसको पेंट करवाएंगे, कुछ डिफरेंट ही करेंगे। और थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज मैं खड़ा हूँ हाईवे में। सो अभी इसको चलते हैं, इसको पेंट का करवाते, कुछ स्पेशल ही रहेगा। सो आप वीडियो एंड तक देखें एंड होपफुली आपको अच्छा लगेगा। आपके पास भी अगर क्रेटा बेस वेरिएंट, आप ये करवा सकते हैं। वो मैं इसको ग्रिल रिप्लेस एटसेट्रा ये सब कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, जस्ट इसमें ही कुछ मॉडिफिकेशन करवाऊँगा। सो भाई, चलते हैं पेंट शॉप पे एंड मैं वही वाला शॉप जा रहा हूँ जहाँ से मैंने अपनी क्रेटा का व्हील कैप्स को पेंट करवाया था। सो चलते हैं उस भाई के पास एंड मैं आपको पेंटिंग का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करना एंड इसमें 3-4 स्टेप्स आते हैं, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। सो भाई, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको एयर प्रेशर के थ्रू क्लीन कर लेंगे अच्छे से। एंड सेकेंड स्टेप विल बी, इसको अच्छे से टेपिंग कर लेंगे केयरफुली, अदरवाइज ओवर स्प्रे होगा तो अंदर रेडिएटर पे या फिर अदर बॉडी पार्ट्स पे लग सकता है। एंड मेक श्योर कि ये अच्छे से टेपिंग हुआ है कि नहीं, अदरवाइज सारा आपका काम ख़राब हो जाएगा इससे। सो भाई, थर्ड स्टेप इज़ प्राइमर एप्लीकेशन। जब भी किसी प्लास्टिक सरफेस पे पेंट करते हैं तो उसको उस पर पहले प्राइमर एप्लीकेशन करना होता है, अदरवाइज़ पेंट अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा एंड एक दो वॉश में वो निकलने के चांसेस होते हैं। सो पहले प्राइमर अप्लाई करते हैं एंड मेक श्योर एप्लीकेशन अच्छे से हुआ हो, कोई पार्ट ऐसा रह नहीं गया हो। एंड फोर्थ स्टेप इज़, ये भी प्राइमर एप्लीकेशन का है बट मुझे आइडिया नहीं है कौन सा प्राइमर है, बट ये भी फोर्थ स्टेप है। इसके बाद ही पेंट का प्रोसेस होगा। सो भाई, अगर आपको किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये क्या है। सो ये सेकेंड वाला प्राइमर अच्छे से अप्लाई हो गया है एंड अब इसको थोड़ा सॉफ्ट वाला सैंड पेपर से थोड़ा सा रब कर लेंगे सरफेस को स्मूथ करने के लिए, उसके बाद पेंट का एप्लीकेशन करेंगे। सो भाई, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, पेंट का एप्लीकेशन का काम स्टार्ट हो गया है, बस अभी अपना फाइनल स्टेप होने वाला है। सो आप इस स्टेप को अच्छे से देखें। भाई फाइनली ये अपना फाइनल रिजल्ट है एंड मैंने इसको ग्लॉसी ब्लैक में पेंट करवा दिया है, ब्लैक में। एज यू ऑल नो,
ये अभी डार्क एडिशन में कंपनी ये वाला ग्रिल दे रही है, बट यार मैंने तो इसको पहले से प्लान करके रखा था, बट फिर भी कोई नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताओ ये कैसा लग रहा है। ये मैंने ऐसा करवाया है, ये वाला पार्ट इधर पीछे मैट ही है, अब इसके बाद जब इस पर पॉलिश होगा ना तो वो और अच्छा फिनिश आएगा। इसको मैंने पूरा फुल ग्लॉस ब्लैक पे करा दिया है और एंड सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देख लेना, आप चाहो तो भी आप करवा सकते हो। बहुत डिसेंट लग रहा है, फाइनल लुक देख लो आप गाड़ी का, चेकआउट करो इसका लुक कैसा आ रहा है, बहुत स्टनिंग लुक आ रहा है। एंड ऑलरेडी मैंने अपनी कार का थीम जस्ट ब्लैक एंड वाइट पे ही रखा है, कुछ और कलर मैंने कहीं कुछ करवाया नहीं, मैंने व्हील कैप्स को भी ब्लैक करवा दिया है, सो इससे और इन्हेंस हो गया इसका लुक, स्पोर्टी फील दे रहा है। अभी इसके बाद कुछ और भी मॉडिफिकेशंस है, वो मैं वन बाई वन करवाऊँगा एंड आप सभी को बताऊँगा। सो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें अपने भाई को। क्रेटा से रिलेटेड और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन मैंने प्लान कर रखा है, वो मैं आपको वन बाई वन वीडियो के थ्रू ज़रूर दिखाऊँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। भाई इस वीडियो में इतना ही, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।